साल पर सूर्या दादा को मिला डबल तोहफा। क्या T20 वाला कमाल वनडे में दिखा पाएंगे सूर्या? शुभन गिल और ऋतुराज को T20 में शामिल कर फिर से चूक गई BCCI। साल 2022 दो दिन में खत्म हो जाएगा और 2023 की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ही टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को इस नए साल पर एक शानदार तोहफा मिला है। नए साल के पहले हफ्ते से शुरू होने वाली श्रीलंका सीरीज के लिए दोनों प्लेयर्स का प्रमोशन हुआ है, तो वहीं कुछ ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो T20 फॉर्मेट के हिसाब से काफी स्लो हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में उन खिलाड़ियों के बारे में और साथ ही ये कि इन खिलाड़ियों के लिए कैसा रहा है साल 2022। वनडे टीम में सूर्य कुमार यादव की एंट्री। दरअसल T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल उठने लगे थे। इसे देखते हुए BCCI ने हार्दिक पांड्या को श्रीलंका दौरे के लिए T20 सीरीज का भारतीय टीम का कप्तान बनाया है, जबकि इसी सीरीज के लिए सूर्य कुमार यादव को उपकप्तानी सौंपी गई है। ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ अब ये दोनों ही प्लेयर अपनी एक अलग और नई भूमिका में नजर आने वाले हैं, जबकि वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ही कप्तानी संभालते हुए नजर आएंगे, जबकि इस फॉर्मेट में हार्दिक पांड्या को उप कप्तानी सौंपी गई है। ऐसे में ये श्रीलंका सीरीज पांड्या के लिए काफी अहम हो सकती है, क्योंकि दोनों ही फॉर्मेट में उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। वनडे टीम में सूर्य कुमार को भी बतौर प्लेयर चुना गया है। सूर्य कुमार को नए साल पर डबल तोहफा। गौरतलब है कि इस साल सूर्य कुमार यादव को ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। सूर्य कुमार ने इस साल अपने बल्ले से तबाही मचा दी है। भारतीय दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 31 मैच में 1164 रन बनाए हैं। विराट कोहली सूर्य के सबसे करीब हैं। उन्होंने 781 रन बनाए हैं, जिसमें 2022 एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ शतक भी शामिल था। सूर्य के अलावा सिकंदर रजा, सैम करन और मोहम्मद रिजवान को भी नॉमिनेट किया गया है। क्या T20 के काबिल नहीं है ये खिलाड़ी? T20 टूर्नामेंट में बड़े शॉट्स लगाने वाले धुरंधरों की जरूरत होती है। नए टेम्पलेट के मुताबिक स्लो हो चुके विराट, रोहित और राहुल जैसे प्लेयर्स की जरूर विदाई हो गई, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ घोषित स्क्वाड में दो नाम ऐसे हैं जो खटकते हैं, पहले शुभमन गिल और दूसरे ऋतुराज गायकवाड। दोनों बल्लेबाज बेहद टैलेंटेड हैं, शॉट्स की रेंज भी उनकी तगड़ी है, तकनीकी रूप से स्ट्रॉन्ग है, भारतीय टीम का फ्यूचर भी है, लेकिन पहली गेंद से जाकर हिट लगाने का इंटेंट नहीं दिखता है। क्या ये दो खिलाड़ी T20 में स्लो साबित होंगे? 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ शुभमन गिल ने वनडे डेब्यू किया था, लेकिन T20 इंटरनेशनल के लिए इंतजार कर रहे हैं। 15 वनडे में 4 अर्धशतक और 1 शतक बनाने वाले पंजाब के इस प्लेयर के पास 57.25 का बेहतरीन एवरेज है। यदि IPL को ही T20 का आंकड़ा माना जाए तो शुभमन ने 74 मैच में 32.20 की एवरेज से 900 रन बनाए हैं। इनका स्ट्राइक रेट 125.25 का है, तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ घरेलू क्रिकेट में लगातार बढ़िया कर रहे हैं। महाराष्ट्र के इस प्लेयर ने 2021 में T20 से डेब्यू किया, तो इसी साल लखनऊ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे मैच खेला। नॉन T20 में ऋतुराज गायकवाड़ ने 135 रन बनाए हैं, उनके स्ट्राइक रेट 123.85 है। तो ये थी क्रिकेट से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर बताइए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।